पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट से छूने नहीं पाता। Just now we have heard that what is more important about born again. हमने अभी भी सुना है कि बहुत ही जरूरी है कि हम नए जन्म पाए। Jesus told that if you don't born again, you cannot enter the kingdom of God. परमेश्वर ने कहा कि यदि तुमने नया जन्म नहीं पाया है तो फिर तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। So what is meant by born? तो नया जन्म पाने का मतलब क्या है? Born of God's Spirit. परमेश्वर के आत्मा से हम जन्मे। Peter told Acts chapter 2 verse 38. पत्रस ने कहा पवित्र काम में, confess your sin and take baptism in the name of Jesus. Holy Spirit will be given. पश्चाताप करो और प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लो और तुम्हें पवित्र आत्मा दिया जाएगा। So John chapter 1 verse 12 says, योहन्ना चैप्टर 1 वाक्य 12 कहता है, receive Jesus Christ into your life and believe in him. कि तुम प्रभु यीशु को अपने दिलों में स्वीकारो और उस पर विश्वास करो। Then you will become children of God. फिर तुम परमेश्वर के बच्चे बनोगे। So we may think that we have taken baptism and now we are children of God. हो सकता है कि हम लोग सोचते रहे कि अभी हमने बपतिस्मा लिया है और इसीलिए हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। Even if we take baptism and coming to church regularly, we can live in sin. हो सकता है कि हम चर्च में आते हो या बपतिस्मा हमने लिया हो, लेकिन इसके बावजूद हम लोग पाप में जीते रह सकते हैं। So we can, as we heard, examine ourselves. इसलिए जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना, हमें खुद को जांचना है। Whether we are born again really? क्या हम सच में नए जन्म हमने पाया है? Whether we can say, I am child of God? क्या हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ? Here John says, those who born of God will not sin. यहाँ पे योहन्ना कहता है कि जो लोग नए जन्म पाए हैं, वो लोग पाप में जीते नहीं रहेंगे। Even if sometimes fall in sin, immediately get up, confess your sin, and get forgiveness. यदि वो लोग पाप में गिरे भी, तो फिर वो लोग तुरंत उठ जाएंगे, अपने पाप को कबूलेंगे और वापस परमेश्वर के चले जाएंगे। Whether we do every day, क्या हम लोग ऐसे हर रोज करते हैं? By this we come to know we are children of God. इससे भी पता चलता है कि हाँ, हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। 1 John chapter 3 verse 9. पहले वाला chapter 3 वाक्य 9. Whoever has been born of God does not sin, for his seed remains in him, and he cannot sin because he has been born of God. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। Verse 6 says, whoever abides in him does not sin. Whoever sin has neither seen him nor known him. वाक्य 6 कहता है, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। If we live in sin, यदि हम पाप में जिएंगे, or if we do keep on sinning, या पाप में जीते ही जाएंगे, we don't know God. इसका मतलब ये कि हम परमेश्वर को नहीं जानते। So Jesus told, I have come to this world for giving you abundant life. प्रभु यीशु ने कहा एक जगह पे कि मैं इस दुनिया में आया हूँ ताकि मैं तुम्हें जीवन दूँ और बहुतायत का जीवन। What is mean by abundant life? तो ये बहुतायत का जीवन का मतलब क्या है? A life filled with joy. एक ऐसा जीवन जो आनंद से भरा हो। A life will filled with happiness. एक ऐसा जीवन जो खुशी से भरा हो। So whether our life is like that? तो क्या हमारा जीवन ऐसा है? And every day मैं हर रोज ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं है, कोई शांति नहीं है, या तो नौकरी नहीं है, या आर्थिक समस्याएं हैं, या स्वास्थ्य नहीं है, तो क्या हम लोग किस रीति का जीवन जी रहे हैं? So what is the reason for that? तो ये सब चीजों का कारण क्या है? We often sin and hide our sin. कि हम लोग कई बार पाप करते हैं और वो पाप को छिपाते हैं। We don't go to God to forgiveness. हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जाते ताकि हम लोग को माफी पा सकें। Because of our pride. हमारे घमंड की वजह से। We don't
humble ourselves, we, that is why we are not getting grace of God. हम लोग खुद तो नम्र नहीं करते इसलिए परमेश्वर की ओर से अनुग्रह नहीं पाते. Every day, हर रोज, go to God. परमेश्वर के पास जाओ. As we hear today, examine our heart. जैसे मैंने आज सुना कि अपने दिलों को जांचो. Ask God. परमेश्वर से पूछो. Is there any wicked ways in my heart? क्या मेरे अंदर कोई दुष्ट मार्ग है? Show me God. मुझे दिखा परमेश्वर. Give me grace to come out of that bad habits. अनुग्रह दे कि मैं वो पाप और वो गंदे आदत से बाहर आऊं. Then God will give you grace. फिर परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा. Bible says love one another. Bible कहते हैं एक दूसरे से प्रेम रखो. There are so many problems in our families, in our church, brothers and sisters, only the because of lack of love. So many problems in our everywhere, home, church. हमारे घर में, कलेश में, दफ्तर में, बहुत सारे जगह पे अलग-अलग समस्याएं हैं. Because of lack of love. Lack of love. क्योंकि प्रेम की कमी है. So Bible often says, have love in your heart for others. और बाइबल में कई बार ऐसा लिखा गया है कि तुम दूसरों की ओर मन में प्रेम रखो. Paul written one chapter in 1 Corinthians 13 for love chapter. प्रेरित पॉलस ने लिखा है कोरिन्थियों के चैप्टर 13 में उसको प्रेम का चैप्टर कहते हैं. What a beautiful chapter. You can read daily also. Such a beautiful chapter. बहुत ही सुंदर वो चैप्टर है. हम हर रोज भी वो पढ़ सकते हैं. If you love one another. यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे. It is easy to forgive one another. बहुत ही आसान है उसको माफ करना. It is easy to ask pardon, sorry one another. आसान है उससे माफी मांगना. Then there will be no problem, my dear brothers and sisters, if we love each other. फिर कोई समस्या नहीं रहेगा मेरे भाई और बहन. God will bless us. क्योंकि परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा, आशीष करेगा. Thank God for the amazing work. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ प्रोत्साहित शब्दों के लिए. So in each company, every year, they used to examine the auditor. हर कंपनी में हर साल ऑडिटर के जरिए हम लोग कंपनी को जांचते हैं. Whether they have any profit or is there any loss. कि ये साल हमें लाभ हुआ है कि नुकसान हुआ है. So even if our Christian life also is better to examine our Christian life whether we can move forward. तो उसी तरीके से अच्छा है कि हम लोग हमारा ईसाई जीवन भी जांचें कि क्या हमने इस साल प्रगति किया है. So even the worldly they want to make a profit. तो दुनिया में भी हम लोग देखते हैं जो कंपनियां रहती हैं वो लोग भी लाभ करना चाहते हैं हर साल. So even in my company also, my director used to say, don't wait for. So every year we have a annual performance. तो हमारे मेरी कंपनी में भी जो डायरेक्टर है वो कहते हैं कि तुम रुके मत रहो क्योंकि हर साल अंत में एक जांच पड़ताल होता है कि एक व्यक्ति ने किस तरीके से काम किया है. So they will evaluate and they will give rating for each employee. तो लोग हर साल एक एम्प्लॉय एक व्यक्ति का काम देखेंगे और उस हिसाब से उसको एक रेटिंग देंगे. So based on the performance they will give the promotion or increment will come. फिर वो काम के हिसाब से वो रेटिंग के अनुसार वो व्यक्ति को इंक्रीमेंट या बोनस या प्रमोशन मिलता है. So one time when my director told her, so don't wait for the annual performance when they will happen in the month of March. तो एक बार मेरे डायरेक्टर ने कहा था कि ये जो हर साल जो जांच होता है मार्च में वगैरह उसके लिए तो रुको मत. So don't wait for till that March. वो मार्च तक तो मत रुको. You can ask your manager every month whether I am working correctly, whatever the goal alignment you given to me, I am working correctly or not. तुम हर महीने जाके अपने मैनेजर से पूछ सकते हो कि इस साल जो मुझे लक्ष्य दिया है क्या उस के हिसाब से मैं सही पटरी पे हूँ क्या, सही चल रहा हूँ क्या. Then you are not asking your manager whether I am whatever the goal alignment you given to me, whether I am going, whether I align with or not. तो अगर तुम हर महीने जाके नहीं पूछेंगे अपने मैनेजर से कि क्या मैं सही तरीके से चल रहा हूँ, जो मुझे लक्ष्य दिया है क्या मैं उसकी ओर बढ़ रहा हूँ या नहीं. So this is your employee duty that you have to ask your manager and you have examined with your manager. और एक employee होने के जरिए तुम्हें ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें बार बार जाके अपने मैनेजर से पूछना है कि क्या तुम सही रीति से काम कर रहे हो या नहीं. Then finally don't complain me, my manager is given very low rating, so I am going to get very
no engagement. यदि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो फिर अंत में आके तुम शिकायत मत करना कि मेरा जो मैनेजर है मेरा ध्यान नहीं रखता है और उसकी वजह से मुझे गंदा रेटिंग मिला है. So this is what in our Christian life also it is better to examine every day and every day we can go to God, Lord, is there anything, something is a wrong thing in me or something I've done so wrong, whether I align with the, what is the you've given to me. तो इसीलिए हमारे ईसाई जीवन में भी बहुत ही अच्छा है कि हम हर रोज परमेश्वर के पास जाएं और बोले कि परमेश्वर मेरा जीवन कैसा है जो तुमने लिखा है तेरे शब्द के अनुसार क्या मैं उसी से चल रहा हूँ यदि मेरे अंदर कोई गलत है तो मुझे बता. So we know verse from 1 Corinthians chapter 11 verse 31. यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते. कुछ दूसरे ट्रांसलेशन में लिखा है कि खुद को परीक्षा में डालना. So we have to examine ourselves. हम लोगों को खुद को परखना है. Then we will not be in the judgment. Then God is going to judge us. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग फिर न्याय में नहीं पड़ेंगे, दंड में नहीं पड़ेंगे. So even God test them through the manna, the Israelite people. तो परमेश्वर भी जो है वो यहूदियों को मन्ना जो था जो स्वर्ग से खाना गिरता था उसके जरिए उसने उनको परखा. So we read in Deuteronomy chapter 8. व्यवस्था वर्णन में जाएंगे चैप्टर 8. व्यवस्था वर्णन चैप्टर 8 2 और 3 वाक्य 2 और 3. यू शैल रिमेंबर ऑल द वे व्हिच द लॉर्ड योर गॉड हैज लेड यू इन द विल्डरनेस दोस 40 इयर्स दैट द माइट ही माइट हंबल यू टेस्टिंग यू टू नो व्हाट वाज इन योर हार्ट व्हेदर यू वुड कीप हिज कमांडमेंट ऑफ और नॉट. वाक्य 2 और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा वा नहीं. He humbled you and let you be hungry and fed you with manna which you did not know nor did your fathers know that he might make you understand the man does not live by bread alone but the man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. वाक्य 3 उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया फिर वह मन्ना जिसे ना तू ना तेरे पुरखों ही जानते थे वही तुझको खिलाया इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता परंतु जो वो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है. So I cannot live by bread alone. तो मैं सिर्फ रोटी से नहीं जी सकता. So in the English man it is compared with manna. तो यहाँ पे उसका तुलना होता है मन्ना के साथ. We know that in Exodus chapter 16 that mentioned that you have to take the manna every day. हम लोग जानते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में कैसे यहोवा ने यहूदियों के आज्ञा दिया था कि जो मन्ना जो स्वर्ग से गिरता था उनको हर रोज बटोरना था. Which means you have to read the word of God, you have to examine yourself every day. इसका मतलब ये है कि हमें हर रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और खुद को परखना है. Don't think that I read word of God last week or I read word of God 2 days before. ये मत सोचो कि मैंने परमेश्वर के वचन पिछले हफ्ते या दो दिन पहले पढ़ा था. It is not enough. You will be hungry. वो काफी नहीं है तो वापस भूखे रहोगे. Even last week I heard some good message, so it is enough for me. ऐसा भी मैं नहीं सोच सकता कि मैंने पिछले हफ्ते एक अच्छा संदेश सुना है तो वो मैंने काफी है. So that is what God testing in our heart. What is there in our heart? तो इसलिए परमेश्वर ये सब चीजों के जरिए जांचता है कि हमारे दिल में क्या है. So I have to read the word of God and I have to examine myself. तो मुझे बाइबल पढ़ना है और खुद को जांचना है. One thing is if you are not fit for test. एक चीज है कि यदि तुम परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो. So one thing that I can say that our conscience is not right with God. तो इसका मतलब ये एक ही है कि मेरा जो विवेक है परमेश्वर के सामने सही नहीं है. So if our conscience is very right with before God, we will examine every day and we will confess our sin and we can come out from all the wrong way. तो यदि हमारा विवेक परमेश्वर के सामने शुद्ध है तो हम लोग हर रोज हमारे पाप को परमेश्वर के सामने अंगीकार कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके उसे बाहर आ सकते हैं.
So we should not wait for the last day. तो इसलिए हमें अंत के दिन के लिए नहीं रुकना है. Then you will see some which is not good for us. फिर हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा परिणाम मिलेगा जो हमारे लिए अच्छा नहीं है. You know the running race and they got medal. Then finally they found they used some drugs. Then they return back the medal. बहुत बार हम लोग खेल कूद की दुनिया में भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो दौड़ में पहला आता है कुछ महीने बाद मालूम पड़ता है कि उसने ड्रग्स लिया था तो उसने जो पहला इनाम पाया था वो उसे रद्द किया जाता है, उसे छीन लिया जाता है. We may think that I reached the goal. तो इसलिए हम लोग भी सोच सकते हैं कि मैंने लक्ष्य तो पा लिया. And also it is that we have to think that this is done in the godly way. लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि मैंने लक्ष्य को सही रीति से धार्मिक रीति से पाया है. So if you we have a referee, that is a Holy Spirit. तो हमारे जीवन में भी एक रेफरी है जो है होली स्पिरिट. So he will checking, he will monitoring every day. तो वो हर रोज हमारे जीवन के ऊपर ध्यान रखता है. So I have to be obedient for the referee. So whatever he is saying to me. तो जैसे खेल में खिलाड़ी रेफरी की आज्ञा मानते हैं उसी रीति से मुझे पवित्र आत्मा की आज्ञा भी माननी है जब कभी मुझसे कुछ कहता है. Otherwise I will miss the medal. नहीं तो फिर जो इनाम है उसमें खो दूंगा. So it is in my life also I used to hear so many times forgive. तो मेरे जीवन में भी कई बार मैं सुनता था ये शब्द को कि तू क्षमा कर. But I shared to some people, you have to forgive others as God forgiveness. और कितने बार ऐसा होता था कि मैं परमेश्वर के वचन में से दूसरों के प्रचार भी करता था कि तुम्हें भी दूसरों को माफ करना है जैसे परमेश्वर ने तुम्हें माफ किया. Because I am not forgiven in that way. क्योंकि मैंने लेकिन उस रीति से लोगों को माफ नहीं किया था. But when in my situation I have to forgive where the which is a very terrible thing, then that time only I fail. लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे जीवन में जब भी कोई खराब चीजें हुई दूसरों की वजह से तो उस समय जब भी उनको माफ करने का समय आया तो मैं असफल था. So we also get that Italy, they are making Italy, they know how to make Italy, but they are not practicing. जैसे मैं सुबह उदाहरण सुना कि एक व्यक्ति को इडली बनाने आता है लेकिन सिर्फ ज्ञान के रूप में उसको उसने सच में कभी नहीं बनाया. When the actual test is coming, then only we came to know whether we are standing firm or we are going astray. जब भी परीक्षा की घड़ी आती है उसी समय पता चलता है कि क्या हम खरे उतरते हैं या हम भटक जाते हैं. So as we get that our conscience should be very straight and very honest, then we can pass all the tests. जैसे हमने सुना कि हमारे विवेक को सीधे रहना है, ईमानदार रहना है, तभी हम लोग हर परीक्षा में खड़े उतरेंगे.